गार्डन में इकट्ठा हुआ, टेंट और शमियाने कम पड़ गए, कुर्सियां कम पड़ गई और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आगे पीछे खड़े रहे। और सबसे बड़ी मुबारक की बात यह है कि पूरे शहर के लोग जो हैं, ये कम से कम जितने गांव के लोग से उससे आधे जो हैं शहर के लोग थे, क्योंकि शहर के लोग जो हैं घर से कम निकलते हैं। पर देखने में, मैंने कल देखकर खुद में हैरान हो गया कि हजारों की तादाद में शहर के लोग भी इसमें शामिल थे। इस जो जहाँ जो कार्यक्रम हुआ, मैं सोचता हूँ कि आज ये जो प्रेजेंट जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आज ये जो जीत है वो निश्चित है। मैं तमाम जो भाई, मेरे भाई बुजुर्ग और साथी, खासकर शहर और गांव के लोग, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने वादा किया है कि जब वो इनको आप जिता कर भेजो, हम इनको मंत्री बनाएंगे, और उन्होंने वादा किया है। मैं सोचता हूँ इतिहास में पुंछ में हमारे पहले मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर अगर ये जीत जाते हैं, तीनों सीटें हम जीतते हैं, गनी साहब जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और पुंछ में एक द्वारा डेवलपमेंट का एक बड़ा दौर शुरू होगा। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें सबसे बड़ा, क्योंकि गनी साहब जो हैं ये एसटी बिरादरी, गुजर बिरादरी से तल्लक रखते हैं। मैं पहाड़ियों को वान करूंगा, जो पहाड़ी हमारी बिरादरी है, सबसे बड़ा अगर किसी का भला हुआ है, किसी कौम का भला हुआ है, वो दो कबीले हैं यहाँ पर, एक एसटी कबीला है और एक पहाड़ी कबीला है। 70 सालों से हमारा पहाड़ी कबीला जो है अपने हकों के लिए तरस रहा था, हकूक के लिए तरस रहा था, और एक मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ऐसे हैं जिन्होंने ये हक हमें दिया, और हम एक दिन और रात पता नहीं चला कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। अब हमारे भी आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर पूरे भारत में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हमारे बच्चे जो हैं नौकरियाँ करेंगे, पूरे देश हमारे लिए खुल गया है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा अपने बच्चों के लिए, अपने विश के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, खासकर एसटी बिरादरी तो इनके साथ जुड़ी हुई है 90% 100%, जो हमारी पहाड़ी बिरादरी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी के बहकावे में, कोई ऐसी अफवाह में वो ना आए कि जो लोग बोलते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नई नई अफवाहें आती हैं, कोई भी किसी झूठी अफवाह में, झूठी बात पर ना आए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देकर मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करें, और जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में अपना मतदान डालें, उस सरकार के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर एक और जो डेवलपमेंट पिछले काफ़ी देर से शुरू थी और डेवलपमेंट का दौर जो है वो शुरू हो। थैंक यू सर।